मुंबई में योजाई रहेली विपक्षी दलों इंडिया गठबंधन की बैठक 28 पक्षों सामिल थया छे। तो आ बैठक ना पहला दिवसे सीट शेयरिंग ने लईने चर्चा थई छे। सूत्रों मुजब इंडिया गठबंधन की अनौपचारिक बैठक में सीट शेयरिंग ने लईने चर्चा थई अने सूचना आपवामां आवी छे कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया 30 सप्टेम्बरे पूर्ण करी लेवामां आवशे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्लाए पीएम पद उम्मीदवार मामले कहू कि चूंटणी में बहुमती मळवा दो, बाद में निर्णय लेवामां आवशे। तो बिहार मुख्यमंत्री एटले के नायब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादवे कहू कि इंडिया गठबंधन पीएम नरेन्द्र मोदी करता सारा हसे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल थया छे। सरकार द्वारा संसद विशेष सत्र में वन नेशनल वन इलेक्शन बिल ने लावा शक्यता पर खड़गे कहू छे कि तेमने लावा दौर लड़ाई चालू रहेशे। दिल्ली ना सीएम अरविंद केजरीवाले कहू छे कि आ गठबंधन देश 140 करोड़ लोको माटे छे। पहला विपक्षी दलों पोताना गठबंधन नु नाम इंडिया राख्यू अने हवे विपक्षी गठबंधन में लोगो में भारत राष्ट्रध्वज केसरिया सफेद और लीला एम त्रणे रंग जोवा मळे तेवी शक्यता सूत्रों दर्शावी रह्या छे। हिंडनबर्ग बाद अदाणी ग्रुप वधु एक वक्त घटस्फोट बाद राहुल गांधी केन्द्र सरकार पर आकरा प्रहार कर्या छे। विदेशी अखबारों अहेवालों उल्लेख करता तेमणे कह्युं के बे मोटा आंतरराष्ट्रीय अखबारों गंभीर प्रश्नों उभा कर्या छे। आ अखबारों भारत की छबी और रोकाणनी असर करे छे। राहुले कह्युं के पीएम मोदी नजीकना सहयोगीए शेर माटे अबजो डॉलर नो उपयोग कर्यो। सवाल ए थाय छे के आ पैसा कोना छे, अदाणी ना के बीजाना, आ अंगे तपास थवी खूब जरूरी छे। पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। भाई हैं गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं तो ये जो चाइनीज नेशनल है ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? राहुल गांधी कहू कि आ मामले पीएम मोदी केम चुप छे। G20 नेताओं आवी रह्या छे जेवो प्रश्न पूछे कि आ कंपनी शा माटे खास छे। तेना आगमन पहला आ प्रश्नोना जवाब आपवा वधु सारू रहेशे। आ मामले जेपीसी तपासनी जरूर छे। तेमणे पूछ्यू कि पीएम मोदी अने अदाणी वच्चे शुं संबंध छे? तपास एजेंसीओ अदाणी जूथनी तपास अने पूछपरछ केम नथी करी रही? अमे पारदर्शितानी वातनी मांग करीए छे। अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी। हिंडनबर्ग बाद हवे ऑर्गेनाइज्ड कंपनी एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी नामनी एक ग्लोबल संस्थाए गौतम अदाणी ग्रुप पर गोटाळा करवानो मोटो आरोप मूक्यो छे। ओसीसीआरपी ना रिपोर्ट अनुसार प्रमोटर परिवार ना बिजनेस पार्टनर से मेरिसियस स्थित बेनामी रोकाण फंडोना माध्यमथी अदाणी ग्रुपना शेरोमां करोड़ों डॉलरनुं रोकाण कर्युं हतुं। ओसीसीआरपी अने तेना रिपोर्टमां कह्युं छे के तेनी तपास ओछामां ओछा बे केस पकड़ाया हता ज्यां अनामी रोकाणकारोए ऑफशोर स्ट्रक्चर ना माध्यम थी अदाणी ग्रुप ना स्टॉक ने खरीदे आने वेचा हता। उल्लेखनीय छे के ओसीसीआरपी ने अबजपति जॉर्ज
सोरोस अने राफेलर ब्रधर्स फंड जेवी संस्थाओं द्वारा फंडिंग मळे छे। जॉर्ज सोरोस एज अजबपति छे जे समयांतरे केन्द्रनी मोदी सरकारनी टीका करता रहे छे। कांग्रेस नेता जयराम रमेशे कहू कि 28 जानुआरी थी 28 मार्च सुधी कांग्रेस पार्टीए पीएम मोदी ने अदाणी ने लईने 100 प्रश्नों पूछा। अमने एवी कोई माहिती आपवामां आवी नथी कि अदाणीनी सेल कंपनीओं में 20,000 करोड़ रूपया कोना छे। राहुल गांधीए लोकसभा में अदाणीना मुद्दाओ पर बात करी अने तेमने संसदमांथी सस्पेन्ड करी देवामां आव्या। अदाणीनो मुद्दो नथी, आ मुद्दो छे, खरो मुद्दो छे पीएम मोदी अने अदाणी वच्चेना संबंधोनो छे। 28 जनवरी से लेकर 28 मार्च दो महीने में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे। ये हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला है, हमने ये सवाल उठाए। रोज हम 3 सवाल उठाया करते थे। संसदीय मामलाना मंत्री प्रहलाद जोशीए ट्वीट करी जानकारी आपी हती कि संसदनुं खास सत्र 18 सप्टेम्बर थी 22 सप्टेम्बर वच्चे योजाशे। आ सत्र 17 लोकसभानुं 13 सत्र रहेशे, ज्यारे राज्यसभा माटे 261 सत्र रहेशे। आ सत्रमां फळदायी चर्चा जवा थवा माटे ज प्रहलाद जोशीए आशा व्यक्त करी हती। સંસદનું 5 દિવસીય વિશેષ સત્રની જાહેરાત કરાઈ છે ત્યારે આ મામલે કોંગ્રેસ સરકાર પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે પહેલા લોકસભાના અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના સભાપતિના માધ્યમથી સભ્યોને સૂચના મળતી હતી, જો કે હવે પ્રહલાદ જોશીએ માત્ર એક ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી છે। જ્યારે મોનસૂન સત્ર સમાપ્ત થઈ ગયું છે ત્યારે સપ્ટેમ્બરમાં વિશેષ સત્ર બોલાવવાનું શું કારણ હોઈ શકે છે? આ મામલે કોંગ્રેસના સાંસદ દીપેન્દ્ર એસ હુડ્ડાએ કહ્યું કે સરકાર જવાબ આપે કે આ અર્જન્ટ સત્ર બોલાવવા પાછળનું કારણ શું છે। पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था मेंबर्स है। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसकी बारे में जानकारी देगी, जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बदलवाना समाचार पर गत दिवसों में जे रीते अटकड़ों चाली रही थी ते आज साची साबित थई छे। कांग्रेसे प्रदेश अध्यक्ष बदलवानी जाहरात करी छे। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेसना अध्यक्ष बनावा छे, तो कांग्रेस पार्टी हवे अनिल चौधरीनी जग्याए अरविंदर सिंह लवली ने आ जवाबदारी सौंपी छे। आ अंगे कांग्रेसे सोशियल मीडिया साइट एक्स पर पण माहिती आपी हती। कांग्रेसे एक पोस्ट में लख्यू कि कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने तात्कालिक असरथी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति ना अध्यक्ष तरीके नियुक्त कर्या छे। केसी वेणुगोपाल द्वारा हस्ताक्षर करायेला प्रेस रिलीज में जणाववामां आव्युं छे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अरविंदर सिंह लवली ने तात्कालिक असरथी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति ना अध्यक्ष तरीके नियुक्त कर्या छे। पार्टी आउट गोइंग प्रेसिडेंट अनिल चौधरी ना प्रयासों ने योगदान की प्रशंसा करे छे। લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા તમામ પક્ષો તૈયારીમાં લાગી ગયા છે। ઇન્ડિયા ગઠબંધન બાદ એનડીએ પણ મુંબઈમાં બેઠક યોજવાની તારીખ નિર્ધારિત કરી છે। ઇન્ડિયા ગઠબંધન 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બર મુંબઈમાં બેઠક યોજશે, જ્યારે એનડીએની ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક પણ 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે। એનસીપી સાંસદ સુનિલ તટકરે કહ્યું કે આ બેઠક દરમિયાન ગઠબંધનના તમામ પક્ષો એક સાથે આવશે, જેની રાજ્યોમાં સરકારો છે। જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે ઇન્ડિયા ગઠબંધન અને એનડીએની બેઠકોનો સમય સમાન કેવી રીતે, આ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યોના ચોમાસુ સત્ર પહેલા જ સંકલન સમિતિ દ્વારા અમારી બેઠક નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી। ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠકમાં ભાગ લેવા આવેલા લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને તેજસ્વી યાદવે પણ 2024ની ચૂંટણીમાં જીતના આશીર્વાદ લેવા મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિર પહોંચ્યા હતા। તેમણે સિદ્ધિવિનાયકને ફળોનો પ્રસાદ પણ ધરાવ્યો હતો। મંદિર તરફથી તેજસ્વી યાદવ અને લાલુ યાદવને ચૂંદડીની ભેટ પણ આપવામાં આવી હતી। એવું કહેવાય છે કે દરેક કામની શરૂઆત કરતા પહેલા
गणपति दादा की पूजा करनी चाहिए। आज लालू प्रसाद यादव सिद्धि विनायक की पूजा कर 2024 लोकसभा चूंटनी श्री गणेश कराया हो लगी रू छ। जम्मू काश्मीर में कलम 370 हटावा विरुद्ध दाखल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनावी शुरू कर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार वती हाजर थता सॉलिसिटर जनरले कहू कि जम्मू काश्मीर में टूंक समय में चूंटनी योजाशे। तेमणे कहू कि कलम 370 हटाव्या बाद राज्य में आतंकवादी घटनाओं में 45% घटाड़ो थयो छे। घुसणखोरी में घटाड़ो थयो छे। सुरक्षा दलों ने थता नुकसान 60% घटाड़ो थयो छे। सुनावणी दरमियान सॉलिसिटर जनरले जम्मू और काश्मीर ने राज्य दरज्जो क्यारे आपवामां आवशे ते प्रश्नोनो पण जवाब आप्यो। तेमणे कह्युं कि जम्मू काश्मीर ने राज्य दरज्जो क्यारे मळशे ते हजू स्पष्ट नथी, आमां थोड़ो समय लागी सके छे। तेमणे कह्युं कि राज्य में प्रवासीओनी संख्यामां वधारो थयो छे। कलम 370 हटाव्या बादथी जम्मू काश्मीरना अर्थतंत्रमां पण सुधारो थयो छे। डुमरी विधानसभा पेटा चूंटनी ने लईने एआईएमआईएम द्वारा आयोजित सभा में एआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसीए भाषण चालतु हतु। ते दरमियान ऑडियंस गैलरी में पाकिस्तान जिंदाबाद ना नारा लगाव्या हता, जेने कारणे बाद जिला वहीवटी तंत्रे कार्यवाही करी छे। जिलाना डीसी अने एसीपी ना निर्देश पर वीडियो अवलोकन टीम द्वारा भाषण दरमियान रेकॉर्डेड वीडियो नु अवलोकन करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद आ संदर्भ संबंधित फ्लाइंग स्क्वाड डुमरी द्वारा डुमरी पोलीस स्टेशन में एआईएमआई उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिज्वी, पार्टी नेता मुजफ्फर हसन नुरानी अने अन्य अजाण्या व्यक्तिओ विरुद्ध भारतीय दंड संहिता अने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संबंधित कलमो हेठळ एफआईआर दाखल करवामां आवी छे। वहीवटी तंत्रनु कहेवू छे के वीडियो ना अवलोकन में जाणवा मळ्युं के आ कृत्य आदर्श आचार संहिता नो उल्लंघन छे अने सांप्रदायिक सौहार्द ने खलेल पहोंचाडवानो प्रयत्न छे। महाराष्ट्र नायब मुख्य प्रधान देवेन्द्र फडणवीसे विरोध पक्ष इंडिया गठबंधन ने एजेंडा विनानु गणाव्यु अने कह्यु के तेनो एकमात्र उद्देश्य वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ने पद पर हटावानो छे। तेज समय भाजपा महाराष्ट्र एकमना वडा चंद्रशेखर बावन फूलोए इंडिया जोड़ाण ने प्राणियों टोड़ू गणाव्यु। वधुमां फडणवीसे कह्यु के मोदी एकवार लोकोना मनमां जग्या बनावी ले, पछी भले 36 नहीं परंतु 100 पार्टीओ एक साथे आवे तो पण तेमने हटावी शकाय नहीं। तेओ तेमनी सखत मेहनत, गरीब तरफी नीतिओ अने तेमना काम प्रत्ये समर्पण ने कारणे लोकोना हृदय में वसी गया छे। फडणवीसे दावो कर्यो हतो के भारत गठबंधनना सभ्यो तेना राजकीय हितों ने बचावा माटे भेगा थया छे। बीजेपी नेताए कह्यू कि 5 राजकीय पक्षोए पहलाथी ज वडाप्रधान पद माटे उत्सुकता दर्शावी छे, जो कि तेवो कोई नाम फाइनल करे तो पण ते नाम लोकोने स्वीकार्यो होवो जोईए। ये सारे लोग मुंबई में आए हैं, इनका केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। और ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानों को ताला लगाने का काम मोदी जी के कारण हो रहा है। जो पार्टियां इनके परिवार की सेवा करती थी उन पार्टियों को लोग नकार रहे हैं। एलपीजी सिलिंडर बाद मोदी सरकार बीजी भेट आपवा जई रही छे। हवे पेट्रोल अने डीजल पर राहत मळी सके छे। लांबा समयथी मोंघवारीनो सामनो करी रहेला लोकोने राहत आपवा माटे सरकारे पहल करी छे। जो कि विपक्षी दळोनुं कहेवुं छे कि आ एक चूंटणी पहल छे, कारण कि आगामी थोड़ा महिनामां घणा राज्योमां विधानसभा पछी लोकसभानी चूंटणीओ योजावानी छे। थोड़ा दिवसों पहला टामेटाना भाव खूब ऊंचा थई गया हता। टामेटा 200-300 रूपया प्रति किलोना भावे वेचाई रहा हता। हवे टामेटाना भाव सामान्य थई गया छे। बजारमां टामेटा 40-50 रूपया प्रति किलोना भावे वेचाई रहा छे। सरकारे घरेलू एलपीजी सिलिंडरना भावमां 200 रूपयानो घटाडो कर्यो छे। केन्द्रीय आवास अने शहरी बाबतो अने पेट्रोलियम कुदरती गैस मंत्री हरदीपसिंह पुरीए संकेत आप्या छे कि सरकार टूंक समयमां आ अंगे कोई सकारात्मक निर्णय लेशे। भारत में योजनारी 20 की बैठक में लईने जिनपिंग ना आ बैठक में भाग लेशे कि नहीं तेनी कोई सत्तावार जाहरात करवामां आवी नथी। G20 बैठक में श्री जिनपिंग की भागीदारी अंगे चीन अने भारत ना विदेश मंत्रालय द्वारा कोई निवेदन बहार पाड़वामां आव्युं नथी।
चीनना राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में 9-10 सप्टेम्बरे योजनारी G20 बैठक ने छोड़ी सके छे। नोंधनीय छे कि आ पहला भारत में योजनारी G20 बैठक ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और शी जिनपिंग वच्चे वातचीतनी महत्वनी तक तरीके जोवामां आवी रही हती। मानवामां आवी रह्युं हतुं कि G20 बैठक बाद अमेरिका और चीन वच्चे तनाव ओछो करवाना प्रयासों करवामां आवशे। तमने जणावी दईए कि चीनना राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत न आववानुं कारण हजु स्पष्ट थयुं नथी। G20 समिट ने लईने दिल्ली में थोड़ा अठवाडिया जोरशोर की तैयारी चाली थी, जमा हवे भारतीय वायुसेनाए तेनी एर वॉर्निंग सीस्टम राफेल और अन्य फाइटर जेट्स ने हाई एलर्ट पर मुक्या छे। आ साथे साथे नवी एर डिफेंस मिसाइल सीस्टम तैनात करी छे। उच्च स्तरीय बैठक माटे सुरक्षा आपवा दिल्ली नी हवाई क्षेत्र ने संपूर्ण तैयार करी शकाय तो संरक्षण सूत्रों जणाव्युं हतुं के एरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सीस्टम देशना उत्तरीय भागों में कोईपण हिलचाल पर नजर राखवा माटे सतत आकाश में रहेशे। स्वदेशी सर्वेलांस प्लेन और आंखों पर आ विस्तार में नियमित देखरेख करशे। G20 समिट की बैठक में अमेरिका, साउदी अरेबिया, जापान, फ्रांस और जर्मनी सहित अनेक देशों वड़ाओ तेमज कैनेडा, ब्रिटन और इटाली वड़ाप्रधानों हाजर रहेशे। मोघवारी तो जनात ने नड़े, सरकार ने क्या नड़े छे। एक तरफ देशना 80 करोड़ लोगों ने सरकार महीने मफत अनाज आपे छे तो बीजी तरफ विदेशी मेहमानों माटे लाल जाजम अने शाही तैयारी थई रही छे। दिल्ली में योजना G20 समिट माटेनी तैयारियों में कोई कसर छोड़वामां नथी आवी रही। मेहमानों दिल्ली नी लक्सरियस होटल में रोकाण करशे अने एमांथी मात्र एक ज होटल में 120 रसोईया मेहमानों ने खाणीपीणी में कोई तकलीफ न पड़े तेनी तकेदारी राखशे। विदेशी मेहमानों माटे संख्याबंध फ्यूजन डिश साथे 500 थी वधु वानगीओ साथेनुं मेनू तैयार करवामां आवी रह्युं छे, जेमां बाजरा सहित मिलेट्स की वानगीओने पण स्थान अपायुं छे। दिल्ली में समिट दरमियान 30 थी वधु लक्सरी होटेल्स प्रतिनिधिओ ने होस्ट करशे। हम लोग बुफे भी करेंगे तो बुफे में कुछ अलग अलग वैरायटीज होती हैं। अगर कोर्स वाइज सिट डाउन वगैरह होते हैं तो उसमें हम 5 या 6 कोर्स के हमारे मेन्यूज होते हैं। सूप से लेकर के शुरू होता है सूप, सैलेड, मेन कोर्स, डेजर्ट। डिशेस तो लगभग 500-500 के करीब डिशेस रहेंगी। उसमें आलाकार्ट्स भी शामिल है, उसमें तुम्हारे बुफे भी शामिल है, उसमें हाई टीज भी शामिल है। दिल्ली में G20 समिट की ठाठ थी चलती तैयारियों वच्चे नव विवाद उभो थयो छे। तामझाम अने सुशोभन माटे लगावा फुलाराना शिवलिंग जेवी आकृति थी संतो अने स्थानिको में रोष जोवा मळ्यो छे। आ मुद्दे हवे दिल्ली हिंदू संगठनों विरोध शुरू कर्यो छे। संतो हिंदू संगठनों ब्राह्मण महासभा थी लईने काशीविद परिषदे आ शिवलिंग जेवा फुवारा सामे रोष व्यक्त कर्यो छे। तो आ साथे ज ज्ञानव्यापी मामलाना हिंदू पक्ष विश्व वैदिक सनातन संघे आ अंगे आकरी प्रतिक्रिया आपी छे। आ समग्र मामले हवे केन्द्र सरकार घेरायेली जोवा मळी रही छे। दिल्लीनी आम आदमी पार्टीए फुवाराओने आकृति लईने सवाल उठाव्या छे। आ साथे ज कह्युं छे कि भाजप G20 जेवी महत्वनी बैठकमां राजनीति करी रह्युं होवानो आरोप लाग्यो छे। दिल्ली में लगातार हमने विरोध किया, भाजपा ने मंदिर तोड़वाए, हमने तब भी विरोध किया। अब डेकोरेशन के तौर पर आप शिवलिंग लगा रहे हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है। इसको निश्चित तौर पर भाजपा को इसको ठीक करना चाहिए और ऐसे लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। चंद्रयान 3 सफलता बाद हवे देशनी नजर इसरोना मिशन आदित्य L1 पर टकेली छे अने तेनु काउंटडाउन पण शुरू थई गयो छे। इसरोनु आ महत्वाकांक्षी मिशन PSLV-XL रॉकेटनी मदती 2 सप्टेम्बरे लॉन्च करवामां आवशे। ते लॉन्च थयाना बराबर 127 दिवसना तेना पॉइंट L1 पर पहोंची जशे। आ बिंदुए पहोंच्या पछी आदित्य L1 खूब ज महत्वपूर्ण डेटा मोकलवानुं शुरू करशे। इसरो द्वारा नक्की करायेली L1 पॉइंट ए सूर्य अने पृथ्वी वच्चेना कुल अंतरनो 1% हशे, एटले के 15 लाख किलोमीटर दूर छे, ज्यारे सूर्यथी पृथ्वीनुं अंतर 15 करोड़ किलोमीटर छे। प्रज्ञान रोवर दिवसे ने दिवसे तेना लक्ष्य तरफ आगळ वधी रह्यु छे। हवे विक्रम लैंडरे प्रज्ञान रोवर नो वीडियो उतार्यो छे। चंद्रनी सपाटी पर प्रज्ञान रोवर चक्कर लगावी रह्यु छे। आ दरमियान विक्रम लैंडरे तेनी वीडियो शूट करी हती। इसरोए आजे ट्वीट करीने जणाव्यु के प्रज्ञान रोवर चंद्र पर सुरक्षित रस्तानी शोधमां घूमी रह्यो हतो। प्रज्ञान रोवरना गोळ गोळ फरता दृश्यने विक्रम लैंडरना केमेरामां कैद करवामां आव्यो छे।
चेस वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीत्या बाद चेस ग्रांड मास्टर प्रज्ञान सतत चर्चा में है त्यारे तेणे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और रमतगमत प्रधान अनुराग ठाकुर साथ मुलाकात करी छे। प्रज्ञानंद ने चेस वर्ल्ड कप फाइनल में वर्तमान विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन द्वारा हराव्यो हतो, परंतु स्पर्धा में तेनी प्रभावशाली सफर ने कारणे तेनी घणी प्रशंसा थई हती। भारतना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी गुरुवारे प्रज्ञानंद अने तेमना माता पिता बनेने मळ्या हता। अनुराग ठाकुर साथे पण प्रज्ञानंद अने तेना माता पिताए मुलाकात करी हती। भारतना स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ाए जूरियस डायमंड लीग में सिल्वर मेडल थी संतोष करवो पड़ो हतो, जमा 85.71 मीटर ना श्रेष्ठ प्रयास साथे सिल्वर मेडल जीत्यो। वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल विजेता नीरज मात्र थोड़ा सेंटीमीटर थी गोल्ड मेडल चूकी गयो हतो, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रोन्ज मेडल विजेता चेक रिपब्लिकन जेकब वार्डलेच 85.86 मीटर ना श्रेष्ठ प्रयास साथे प्रथम स्थाने रहा हता। नीरज तेनी पाछळ 15 सेमी हतो, तो आ दरमियान भारतना मुरली श्रीशंकर जूरिस डायमंड लीगनी लांबी कूद स्पर्धा में पांचमा स्थाने रह्यो हतो। वर्ल्ड चैम्पियन बन्याना चार दिवस बाद स्टार भाला फेंकना नीरज चोपड़ा ने आ सीजन में पोतानी जीतनो सिलसिलो जाळवी राखवाना पड़कारनो सामनो करवो पड़्यो हतो। आ सीजन में नीरजनो आ पहलो सिल्वर छे, आ पहला पण तेने त्रण स्पर्धा में मात्र गोल्ड जीत्यो हतो। नीरज रविवारे बुडापेस्ट में 88.17 मीटर भालो फेंकीने प्रथम वक्त वर्ल्ड चैम्पियन बन्यो हतो, जो कि ते ज्यूरियर में गोल्ड जीतवामां सफल थई शक्यो न हतो। नीरजना छ प्रयासों में त्रण फाउल थया हता।